नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। हिमाचल प्रदेश में समोसा विवाद ने तूल पकड़ लिया है। सीएम सुक्खू की जगह स्टाफ को बांटे गए समोसे। समोसा विवाद की सीआईडी जांच से उठे सवाल। सीआईडी जांच से गिर गई है सुक्खू सरकार। देखिए विस्तार से बता दें, हिमाचल प्रदेश में समोसे और केक से जुड़े मामले ने एक नई कंट्रोवर्सी को जन्म दे दिया है। मामला इस कदर बढ़ा कि इसकी सीआईडी जांच तक करवानी पड़ गई। जांच रिपोर्ट में इस प्रकरण को सरकार विरोधी कृत्य करार दिया गया। दरअसल सीआईडी हेडक्वार्टर में 21 अक्टूबर को एक समारोह में भाग लेने गए सीएम को परोसने के लिए लक्कड़ बाजार के होटल रेडिसन ब्लू से समोसे और केक के 3 डिब्बे लाए गए थे। हुआ ये कि समोसे और केक उनकी बजाय गलती से उनके सुरक्षा कर्मियों को परोस दिए गए। इस वजह से विवाद खड़ा हो गया। मामले के तूल पकड़ने पर सीआईडी जांच की जरूरत पड़ी। सीआईडी के हाई रैंक के एक अधिकारी ने 21 अक्टूबर की घटना पर अपनी टिप्पणी में कहा, जब सीएम सुक्खू सीआईडी का मुख्यालय के दौरे पर थे तो जिम्मेदार लोगों ने अपने एजेंडे के अनुसार काम किया। हालांकि डीजी सीआईडी संजीव रंजन ओझा का कह रहा है कि किसी भी कर्मचारी के खिलाफ कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है। सीआईडी जांच हो रही है इस मामले में और घिर गई है सुक्खू सरकार। वो मंगाया गया था, वो कहां रह गया? आइटम्स जो थी, इसकी बात इतनी बात बढ़ गई है समोसा और वो तो उस पर इतनी है, जरा पता करो कहां है। इतनी सी बात पे बात को एस्केलेट कर दिया गया जो उचित नहीं है। ये इंटरनल मैटर है सीआईडी का, 100% इंटरनल है। और उसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा, सीएम खुद तली भुनी चीज़ें नहीं खाते हैं, समोसा तो बिल्कुल ही नहीं खाते। तो हमने बस चर्चा करी थी और उसमें फिर ये पता लगाने की बात कही कि भाई पता करो क्या हुआ। इतनी सी बात है और ये बिल्कुल ही कंप्लीटली इंटरनल सीआईडी के मैटर है। इसको मेरी करबद्ध प्रार्थना है मीडिया से और बाकी लोगों से भी कि इसको पॉलिटिसाइज ना किया जाए। जो बहुत ही मजाक का विषय है, हिमाचल प्रदेश के अंदर बड़े बड़े स्कैंडल्स अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जो पैसों का लेन देन सेक्रेटरेट मुख्यमंत्री जी के दफ्तर से लेकर के अलग अलग हेडक्वार्टर्स के ऊपर चल रहा है, उसके ऊपर इंक्वायरी करनी चाहिए। जो छोटी सी बातें हिमाचल प्रदेश को बदनाम करने के लिए पूरे देश के अंदर इस गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है कि गवर्नमेंट एक फेल होने के कगार के ऊपर पहुंच गई है। जानकारी नहीं इनको है कि करना क्या है क्या नहीं करना है। इनको मुख्यमंत्री जी के समोसे की चिंता, लोगों के रोजगार की चिंता नहीं है। भ्रष्टाचार के विरोध में जो करना चाहिए उसकी चिंता नहीं है। हिमाचल प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाना उसकी चिंता नहीं है। जे ऐसे छोटे छोटे कामों में लगे हुए हैं तो मेरा ये मानना है कि जो गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश में सबसे नकम्मी गवर्नमेंट और असफल गवर्नमेंट मानी जाएगी, जो ऐसे छोटे छोटे कामों में बड़े बड़े अधिकारियों को उलझा करके रख रही है। देखिए हिमाचल प्रदेश में आज लगता है कि किसी प्रकार की कोई सरकार नाम की चीज है ही नहीं। एक मित्र मंडली है और वो मंडली जो है वो जुंडली के रूप में ऑपरेट कर रही है। सरकार में समोसे हों या टॉयलेट हों, इसी पर जो है वो ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। बाकी सरकार किस प्रकार से चलनी चाहिए, विकास के काम क्या होने चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन होना चाहिए, इस पर जो है कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो देखिए हिमाचल में समोसे की गूंज की बात हो रही है। हिमाचल प्रदेश में समोसा विवाद देखने को मिल रहा है। सीएम सुक्खू की जगह स्टाफ को बांटे गए हैं समोसे और समोसे मामले में सीआईडी जांच की गई है। जांच में सरकार विरोधी कृत्य बताए गए हैं। सीआईडी मुख्यालय में एक समारोह के दौरान घटना हुई है। समोसे और केक के 3 डिब्बे सुरक्षा कर्मियों को परोस दिए गए हैं। घटना राज्य में प्रशासनिक चर्चाओं का केंद्र बन गई है और इसे लेकर अगर आप देखें तो हर तरफ ये घटना जो है वो सुर्खियों में आ गई और तमाम तरह के सवाल जो है वो उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या समोसे और केक का मसला इतना बड़ा हो गया हिमाचल प्रदेश में कि इस पर जांच हो रही है, इस पर चर्चा हो रही है और इसके लिए सीआईडी जांच बैठाई गई है। क्या हिमाचल प्रदेश में अब कोई मसला बाकी नहीं है? हमारे साथ हमारे सहयोगी जो है वो जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ श्रीमंत राव जुड़ चुके हैं,
माफ कीजिएगा जीवंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी जीवंत। इतना बड़ा हो गया क्या ये समोसे का मसला? क्या हिमाचल प्रदेश में वाकई में गंभीर तौर पर कोई मसले नहीं है, जनता से जिनका सरोकार हो, जिन पर चर्चा होनी चाहिए, जो अब समोसे के मामले पर जांच हो रही है? जी मोनिका, सही कहा आपने। 20 अक्टूबर का ये मामला, एक साइबर क्राइम डेटा सेंटर का उद्घाटन होता है, वहां पे होटल रेड एंड ब्लू से 3 डब्बे मंगवाए जाते हैं, 2 समोसे और एक केक का डब्बा पहुंचता है जी। जैसा कि संजीव रंजन ओझा ने हमें बताया कि जब कार्यक्रम खत्म हो गया पूरी तरह से, तब जाके पता चला कि कोई ऐसी चीज भी मंगवाई गई थी, तो उसे कहां है बताया जाए, तब पता चला कि वो डब्बे खोले ही नहीं गए। जब ये डब्बे खोले गए तो उन्होंने आपस में बात की, जैसे संजीव रंजन ओझा ने कहा कि ये डब्बे आपस में खाली गए, जो भी सीआईडी का स्टाफ था या और कर्मचारी थे उन्होंने खाली उनको बांट दिए गए, मतलब खाली गए। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि इसकी जांच होती है, और जांच होती है विक्रम चौहान, उप पुलिस अधीक्षक सीआईडी भराड़ी शिमला, इनके द्वारा जांच की जाती है, और जांच में पाया जाता है कि ये डब्बे आए थे रेडिसन ब्लू से, लक्कड़ बाजार शिमला का ये होटल है, वहां से डब्बे आए थे, इसमें एक केक था और 2 उसमें समोसे के डब्बे थे, ये बांट लिए गए। और मतलब ये यहां तक का ये सिर्फ मामला है, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ भी विषय है कि इस पे जांच होती है, जांच का एक रिजल्ट आता है और रिजल्ट पे पाया जाता है कि ये चीजें आई थी और ये बांट ली गई। जी मोनिका, इसमें एक और बात जरा समझाइए कि सरकार विरोधी कृत्य इसमें क्या है, ऐसा क्या है जो इसे सरकार विरोधी कहा जा रहा है जिसलिए जांच हो रही है, जरा ये भी समझाइए। देखिए मोनिका, यहाँ समझने लायक ये बात है कि समोसे आए, बांट लिए गए, भाजपा ने तूल दिया है इस बात को, सिर्फ और सिर्फ जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, पहले इन्होंने टॉयलेट का मसला उठाया या और ज्यादा मसले उठाए, ये मसला भी भाजपा द्वारा उठाया गया है कि इस तरह के समोसे आए, और गंभीर विषय है स्टेट में, जिनके ऊपर आज आपने देखा जब दिल्ली मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह रवाना हो रहे थे तो उनसे पूछा गया कि समोसे वगैरह का एक मसला है, तो उन्होंने इनकार किया, उन्होंने इसको बाईपास किया कि इस तरह के जवाब मैं नहीं दूंगा। जी मोनिका, ये बाईपास उन्होंने कर दिया, लेकिन जांच तो सीआईडी की हो रही है ना इस मामले पर, तो सवाल ये उठ रहे हैं क्या जांच के लिए दूसरे बड़े मसले नहीं है? क्या ये मैटर वाकई में इतना बड़ा है कि इसे इतनी इंपॉर्टेंस, इतनी तवज्जो मिलनी चाहिए? जी बिल्कुल, मसला कहां से निकला और कहां जांच इसकी हुई, लेकिन जो विक्रम चौहान है उन्होंने चिट्ठी लिखी थी डीआईजी, जो पुलिस डीआईजी है शिमला, उनको एक चिट्ठी लिखी थी, उसमें जो उन्होंने मांगा था कि इसकी रिपोर्ट दी जाए, छानबीन जाए की जाए कि कहां से ये समोसे और ये केक कहां गया, तो इसकी जांच के लिए कहीं ना कहीं सरकार भी जिम्मेदार हो सकती है कि उन्होंने कहा कि पता किया जाए। लेकिन अब ये मामला जो है वो तूल पकड़ चुका है, भाजपा ने इसको पूरी तरह से भुनाना शुरू कर दिया है, और भाजपा का हरेक नेता इसके ऊपर राजनीति करने के लिए, या मुझे लगता है कि इसके ऊपर अपने अपने बयान वो जारी कर रहा है। जी बोलिए। ठीक है, जरा ये भी हमें बताइए कि भाजपा की तरफ से तो कहा जा रहा है कि वो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन डैमेज कंट्रोल हिमाचल की सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार किस तरह से करेगी इस मामले पर, क्योंकि किरकिरी तो हो ही रही है। जी बिल्कुल जी मोनिका, ये किरकिरी कांग्रेस की तरफ से, मैं तो ये कहूंगा कि जितना भी सरकार का जो अमला है, कहीं ना कहीं वहीं से ये बात निकली होगी, इस तरह की बात सामने आई होगी, जिसके ऊपर जांच बिठाई अधीक्षक ने, जो सीआईडी के डीजी हैं संजीव ओझा जी, उन्होंने इसका आज बयान दिया है कि इस तरह का मामला है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जरूरी नहीं था कि ये चीजें कैसे सामने आई, बहुत कि हमें दुख से कहना पड़ रहा है कि ये चीजें मीडिया में आई और मीडिया में सर्कुलेट हुई, वायरल हुई ये चीजें, और ये जो है वो आज विवाद एक दोनों पार्टियों के बीच, भाजपा और कांग्रेस के बीच शुरू हो गया समोसे को लेकर। जी जीवन, ये भी हमें बताइए कि क्या कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस की सरकार का ये कहना है कि जानबूझकर इस मामले को लीक किया गया ताकि हिमाचल की जो मौजूदा सरकार है उन्हें निशाने पर लिया जाए, उनका मखौल उड़े? बिल्कुल आपने सही कहा, कहीं ना कहीं सरकार के बीच के लोग ही जो समझा जा सकता है, सरकार के बीच के लोग या जो तंत्र है सरकार का उसी के बीच के लोग हैं जिन्होंने इस बात को निकाला
जिसके ऊपर जांच बिठाई गई, कहीं ना कहीं तो समझा जा सकता है कि किसने ये चिट्ठी लिखी, किसने बात करी, ये सारी चीजें पुलिस तक पहुंची और लिखित पहुंची। जैसे चिट्ठी भी हमने आपको इसके बारे में भेजी है कि जो चिट्ठी लिखी गई थी विक्रम जी द्वारा, जिसके ऊपर जांच बिठाई गई थी, तो वो भी किसी ना किसी ने तो शिकायत की है। तो वो सरकारी अमला हो सकता है, सरकार के कर्मचारी हो सकते हैं, सीआईडी के कर्मचारी हो सकते हैं, कोई भी आदमी जो है वो इस मामले को तूल देता हुआ दिखा है, जिससे ये जांच बिठाई गई है। और भाजपा के हाथों एक बटेर लग गया अब। और ठीक है, चलिए जीवन कुमार शुक्रिया आपका तमाम बातचीत जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।